हाय दोस्तों, देखो आज मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। ये कलर मेरे पर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। मेरा दिल रखने के लिए नहीं, हकीकत में बताना प्लीज़, ये साड़ी हमारे पर कैसी लगी। ओके, तो चलिए फिर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मेरी कढ़ी पक रही है, देखिए आप लोग भी देखिए। दोपहर का टाइम में कढ़ी और चावल बना रही हूँ। आज संडे है, सुबह बनाई थी प्याज कचौरी। और देखिए 2000 years later ये मेरा चावल है, इसको मैं डालने जा रही हूँ। और ये कढ़ी मेरी पक जा रही है आराम से। और कढ़ी तो अभी बताऊंगी कैसे बनी है, स्वाद तो बढ़िया ही होगा क्योंकि मैंने इसमें कोई मसाला नहीं ऐड किया है कढ़ी में। बस प्याज का और मिर्ची का, करी पत्ता, राई, मेथी का तड़का दिया है, हींग का, बस और कुछ नहीं। और इसमें मैंने ये फुलौरी निकाल के डाला है। देखो ये फुलौरी मेरी एकदम बढ़िया, कितना अच्छे से इसमें देखिए कितना फूली हुई फुलौरी है हमारी। तो फिर मिलते हैं आपको। कढ़ी तो बन गई है दोस्तों, देखिए अब चावल बना रही हूँ। चावल तो हमने गैस पे रख दिया है, अभी 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा जी। देखिए दोस्तों, मेरा कढ़ी चावल पक गया है। अब दोपहर के टाइम है और अथक बोला अपने पापा से कुछ लेने के लिए, कल से उसका एग्जाम है तो गया अपने पापा के साथ कुछ शॉपिंग वगैरह करने, पेंसिल वेंसल कुछ लेना है उसको, तो गया है अपने पापा के साथ, अभी आएगा। और जूता स्टैंड मेरा टूट गया था, ये पड़ोस के बच्चों ने तोड़ दिया था, तो अब गए हैं उसको लेंगे। जूता स्टैंड भी अगर मिल जाएगा बढ़िया सा। और क्या बताऊँ लोगों से, सब काम तो हो गया है मेरा। दोपहर का टाइम है, नहा भी लिया है और झाड़ू पोछा सब हो गया है, तो आप लोगों से क्या बताऊँ जी, सब काम तो रेडी है। अभी आएंगे तो दिखाऊंगी क्या क्या लेके आते हैं, देखती हूँ। आज शॉपिंग करने गए हैं बाप बेटे, तो क्या क्या लेके आते हैं, मैं तो गई नहीं हूँ साथ में, मैं तो घर पे हूँ। अब मैं ये देखती हूँ आज ये दोनों क्या शॉपिंग करते हैं। ओके, आप भी देखना। आप लोगों से बताई थी दोस्तों कि ये लोग शॉपिंग करने गए हैं, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो ये लोग कुछ भी नहीं खरीदे हैं, क्योंकि ना इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या शॉपिंग करें हम। बार बार वही फ़ोन करके पूछते रहे क्या ख़रीदना है क्या ख़रीदना है, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या ख़रीदें हम। तो फिर फिलहाल कुछ नहीं ले पाए लोग, बस अथर्व के पापा अपने लिए एक जूता लिए और अथर्व अपने लिए पेंसिल वगैरह कुछ लिया, और तो कुछ नहीं ले पाए। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने नहीं दिखाया कुछ भी। और चलती हूँ जी, आगे आपको दिखाती हूँ कि देखिए बाहर का दृश्य कैसा है, क्योंकि अब मतलब नाइट का ये टाइम है। दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया था हमने, तो अब नाइट हो रही है। नाइट क्या यार, बज रहा है 10 बज बज रहा है, बिल्कुल रात हो गई है। तो आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है, देख लीजिए आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि हमने दिखाया नहीं आप लोगों को बाहर का नज़ारा। मेरा कमरा तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसे है मेरा कमरा, रेंट पे रह रही हूँ यार, तो मेरा कमरा ऐसे ही है। और लूँगी अब फ्लैट लेने वाली हूँ जल्दी से जल्दी, बस चाहे जब ले लूँ जिस महीने में, बस आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ चाहिए। तो चलिए फिर देख लीजिए कि बाहर क्या है। बाहर कुछ है नहीं, लेकिन नाइट हो गई है ना, तो सोच रहे हैं थोड़ा बाहर निकल के भी आप लोगों को दिखा दूं। और देखती हूँ बंधु इस टाइम क्या कर रही हैं, इसलिए सोच रही हूँ कि आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। और एक बात बताना तो दोस्तों आप लोगों को भूल गई कि सच में हमें ना नाइट में बाहर निकलने में बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों मैं बहुत डरपोक हूँ सच में। ऐसा लगता है ना कि ऐसे कोई कहीं खड़ा होगा, मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है नाइट में बाहर निकलने से, लेकिन फिर भी निकल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए नाइट हो गई है एकदम रात, सब जगह सब लोग सो रहे हैं
और बाहर देखिए अच्छी नहीं आ रही है, बिल्कुल चेहरा पर वो परछाई सा हो गया है। तो चलिए दिखा देती हूँ बंधु को भी। बंधु जी क्या कर रही है इस टाइम, देखती हूँ, चलती हूँ, चुपके से चलूँगी, नहीं तो वो ना छुप जाएगी कहीं, वीडियो बनाने नहीं देगी फिर। बहुत चालाक है जी, कहेगी मत बनाओ मेरी वीडियो। तो चलती हूँ, ओके, चुपके से चलूँगी एकदम, जान ना पाए, नहीं तो जान जाएगी तो छुप जाएगी। चलो चलते हैं धीरे धीरे, देखती हूँ वो रही बिंदु देख लीजिए ये है, बैठी है लाइव कर रही है बेचारी, देखो कमज़ोर हो गई है लाइव करते करते। तो आप लोग जो भी देख रहे हो सपोर्ट करना अपनी सिस्टर का, और उनके दोनों बच्चे सो गए हैं, और कुछ लाइव के बारे में बता रही थी, कोई गलत कमेंट कर रहा था उसी पे हम गुस्सा पड़ गए हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि गुस्सा बहुत जल्दी हम पड़ते हैं और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं थोड़े में ही। तो फिर वंदना से कुछ मस्ती हो रही थी हमारी, अब धीरे से बाहर निकलते हैं और फिर चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। अब उसको देख रहे हैं ना वंदना कब उठेगी कब खाना खाएगी, तो इसलिए सोच रहे हैं अब ये अलवी करके आई, अब निकल रही हूँ अपने कमरे के लिए। अब वंदना लाइव करके आएगी तो दोनों साथ में खाएंगे, और हमें हंसी अभी आ रही है। अब क्या यार, चलते हैं देखते हैं। देखो यहाँ तो पूरा उजाला आ गया, अपने कमरे में आ गई हूँ मैं, अंदर घुस गई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को जहाँ तक हो सके, नहीं अच्छी लगती फिर भी 2-3 मिनट का वाचिंग किया करो यार, वीडियो देखा करो प्लीज़। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखना। तो फिर आपको मिलेंगे, बाय बाय, अगली वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, ओके। बस इतना सा प्यार मांग रही हूँ अपनी।